बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, होप एवरीवन ऑफ यू फाइन एंड इन हाई स्पिरिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट द रिटन क्वालिफायर्स ऑफ सीएसएस 2020 एग्जाम, व्हाइल दोज हु हैव फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट दे मस्ट नॉट लूज होप, बिकॉज there is always silver lining at the end of the clouds. My dear candidates, most of you have failed to pass the CSS essay exam, essay paper. What are the reasons behind that failure? Why so many of candidates get 12 marks, 20 marks, and they have never crossed the 30 marks, those who have failed in the CSS essay? There are several irregularities, there are several mistakes that were committed by some of the candidates with whom I talked to. Some of were saying that they had not attempted any kind of pragmatic outline, or they might have. So some of were view that they had not committed any kind of pragmatic outline. Some made blunder in outline, some made a blunder in introduction, while some made blunder in the whole body of the essay, or they might have blundered in the conclusion. So I would shed a light on the outline, on the intro, on the whole body, or in the conclusion. To start with, कुछ कुछ दोस्तों ने कहा, कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई कि हम लोगों से गलती हो गई, आउटलाइन में गलती हो गई, हमने आउटलाइन में सही तरीके से ऐसे को सही तरीके से हम लोगों ने वेरिएंट्स नहीं दिए, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हेडिंग्स नहीं दी हम लोगों ने, और इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा। तो देखिए, आउटलाइन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो फ्रेजेस में लिखते हैं, सो दे मस्ट अवॉइड फ्रेजेस। के कुछ एक आध मेरा कैंडिडेट था, तो जब मैंने उसको आउटलाइन लिखने पे और इंट्रोडक्शन या ऐसे लिखने पे उसको दिया मैंने, तो उसने जैसे फ्रेजेस में लिख के आया मेरे पास वाटर क्राइसिस पे, तो उसकी कॉजेस में लिखा कि नीचे के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इस तरीके से जो फ्रेजेस होती हैं, जस्ट उससे आगे उसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी, तो इस तरीके से के जो फ्रेजेस होते हैं ये मिसलीडिंग होती हैं, वेग होती हैं, जनरल होती हैं। आप इसको फ्रेजेस में ना लिखें, आप छोटे टेंसेस में लिखें के द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज डैमेज द फ्लो ऑफ वाटर, या आप ऐसा लिखें कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज डाइवर्टेड द वाटर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा कोई भी अपना आप लें, कोई फ्रेजेस वगैरह नहीं देने जो मिसलीडिंग हो, जनरल हो, और आपने हर वेरियंट को टच करना है। अगर ऐसे अगर आया है कि यूनाइटेड नेशन सक्सेस एंड फेल्योर्स, तो आपने जस्ट ये नहीं लिखना कि यूनाइटेड नेशन पहले आप उसके सक्सेस देंगे, उसके बाद आप उसके फेल्योर्स देंगे, फिर आप कंक्लूजन देकर उसको एंड करेंगे। नहीं, जब भी कोई इशू आए उसके सॉल्यूशंस लाजम होते हैं, तो उसमें आप सॉल्यूशन आप उसमें दो। आप उसमें जब सॉल्यूशन अपना यूनाइटेड नेशन के सक्सेसेस पूछ रहा है, तो सक्सेसेस आप दें, लेकिन उसके बाद आप ये भी दें कि वो सक्सेसेस क्यों आए, कि what the reasons behind the success of the United Nations. के तो वो पहले वो भी वेरिएंट दें, वो भी आप उसमें दो तीन पैराग्राफ लिखें, फिर आप कॉजेस पे आए, फिर कॉजेस पे आप लिख के आउटलाइन में, फिर आप उसके लिखें कि कॉजेस क्या थी इसके फेल्योर्स की, फिर आप सॉल्यूशन लिखें। यू जस्ट नॉट हैव टू टच अपॉन द सक्सेसेस एंड फेल्योर्स, यू मस्ट डिस्कस दैट व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड सक्सेसेस एंड व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड फेल्योर्स, एंड देन यू मे गो फॉर द सॉल्यूशन। और बात आती है इसकी इंट्रोडक्शन की। आपके देखिए, इंट्रोडक्शन कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन इज द मिरर ऑफ द एसे, लेकिन काफी लोगों ने जैसे ही कोई टॉपिक उठाते हैं कि टूरिज्म इन पाकिस्तान, टूरिज्म इट्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, एक्सपेंडिंग आईटी अ कर्स और ब्लेसिंग, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, कोई भी आपके पास ऐसे आए तो आप उसके पूरे वेरिएंट डिस्कस करें।
पूरे लाइन डिस्कस करके पूरे आप उसमें बाद में जब आप इंट्रोडक्शन लिखे हैं तो इंट्रोडक्शन में आके फंस जाते हैं वहां पर। इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आइदर यू गो विद अ कोटेशन, आइदर यू गो विद द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एसे। इसमें कुछ चार पांच टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को आज में शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत आसान हो जाएगा सीएसएस में, इंशाल्लाह इट विल लीड यू टू सक्सेस इन द कमिंग सीएसएस 21 एग्जाम। तो सबसे पहले आप ऐसे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट कर, ऐसे कर जैसे ऐसे है क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, के आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिकली एनालाइज करें। तो आपके आपने आउटलाइन बना दी, उसकी आउटलाइन बना के सारे वेरिएंट्स डिस्कस करके मल्टीपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो सिंगल क्यूरिकुलम और नो क्वालिटेटिव टीचर्स, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज आप उसमें डिस्कस करके आउटलाइन में फिर आप इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन में मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। कोई तो हिस्ट्री से स्टार्ट करता है कि सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, कोई कहता है कि बस एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इतना बस जनरल ना लिखें, गो विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है कि डायरेक्टली जब आप ऐसे को पकड़ेंगे तो आप लिखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज डिवास्टेटेड, इट्स वेरी पुअर बिकॉज इट हैज नॉट बीन अ क्रिस्टल ऑफ चेंज। ये आपने डायरेक्टली आपने उसको लिखा। ठीक है, इनडायरेक्टली आप क्या करेंगे कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, दोज कंट्रीज हुज एजुकेशन सिस्टम इज इंक्लूसिव इट हैज बेनिफिटेड द होल कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल और सोशल प्रोग्रेस। देन गो फॉर द कंपेरिजन, देन गो फॉर द स्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर डायरेक्टली हिटिंग द एसे, देन गो फॉर द स्कोप दैट द कंट्रीज वेयर एजुकेशन सिस्टम इज इंक्लूसिव इट हैज लेड टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। दीज इंक्लूड यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान। हाउएवर देन कम फॉर द कंट्रास्ट, हाउएवर वेन इट कम्स टू पाकिस्तान इट्स एजुकेशन सिस्टम इज नॉट इंक्लूसिव बिकॉज देर आर मल्टीपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंड देन गो फॉर हिटिंग द आउटलाइन that there is no curriculum, there is no single syllabus, there are public system, private system, elite private Danish schools, as well as there is the madrasa system of education. Some of the education systems are producing talented students while others are producing the worthless students. So it is difficult to talk about the education system of Pakistan if it's our illiteracy, no socio-economic development and regressing literacy rate from 60 to 58% as per the report of UNESCO of 2018. And then you go for at the solution dot that however, you're notwithstanding these issues, Pakistan can ameliorate its education system by improving its education system, by merging all the education system into single education system, and by it's introducing a single curriculum based upon the international standards. Then you go for the first paragraph to begin with, to start with. So then you must, when it comes to paragraph, so you must use discourse markers to start with, to begin with, or furthermore, moreover, you must use as regards, as far as this fact is concerned. And then when you discuss solutions, you may discuss firstly, secondly, thirdly, fourthly, finally. And then for the conclusion, आप conclusion ऐसे start करें कि जिस तरीके से आप लोगों ने introduction start किया था ना कि education is a hallmark of change, आपने मान introduction में क्या लिखा था कि education is means of development, socio-economic development, जैसे आपने शुरू में स्टार्ट किया था उसको डिफरेंट phrases में आप वैसे ही आप अपना conclusion स्टार्ट करेंगे कि education is the hallmark of change, it is a crystal of change,
some of the countries that have developed the education system, they are progressing leaps and bounds. However, Pakistan has failed to improve its education system, due to which it is facing illiteracy, no gender development, no socio-economic development, progress, and whatsoever. They didn't go for this, what we have discussed in the whole of the body. That's all about essay. For further questions, you may pose your questions, and inshallah, I will make another video upon your queries. जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका वीडियो बना के आपको मैं वापस में आपको मैं फीडबैक दूंगा. So allah hafiz candidates, hope for the best for the 21 exam. No more about any question, any subject, especially with related to my optional subjects like US history, gender studies, criminology, and to know about the compulsory subjects, you may contact me anytime, and you may post the questions in below the comment boxes, and then you may also subscribe my channel, as well as press the bell icon to know more about the queries. Thank you, Allah Hafiz.